दामोदर मोहर न्यूज चैनल के लिए मैं मुरलीधर महतो। आज 21 मई 2024 है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का माहौल गर्म है। लोकसभा का चुनाव है आज। चास प्रखंड के अंतर्गत बिजलिया मोड़ के चुनाव कार्यालय में मासस के बोकारो जिला सचिव कामरेड गयाराम शर्मा दामोदर मोहर न्यूज चैनल से बात करने के लिए कार्यालय में बैठे हुए हैं। चलिए इनकी बात को सुनते हैं। आज 21 मई 2024 को बिजलिया मोड़ के मासस के चुनाव कार्यालय में बोकारो जिला के जिला समिति के सचिव गयाराम शर्मा जी दामोदर मोहर न्यूज चैनल के साथ चुनावी माहौल के बारे में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मासस की स्थिति के बारे में लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। हम धनबाद लोकसभा की चंदनकारी विधानसभा में आज बिजलिया मोड़ में दामोदर मोहर चैनल के माध्यम से हम तमाम चंदनकारी विधानसभा के जनताओं से अपील करना चाहते हैं। साथ में मनोज महतो बोलिए कि हमारे महादेव शर्मा मासस प्रत्याशी भीम रजक को भारी मतों से विजय बनाए हुए हैं। आज चुनाव प्रचार में ये लोग लगे हुए हैं। देखा जा रहा है राजनीतिक समीकरण में, जो एक तरफ आपका भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो जो BCCL का माफिया है, और एक तरफ जो अनूप सिंह की पत्नी है अनुपमा सिंह, वो अनूप सिंह BCCL का माफिया है, और मासस को हराने के लिए अखलाक अंसारी को चुनावी दौड़ में लाया गया था। तो हम तमाम चंदनकारी वासियों से अपील करना चाहते हैं कि जगदीश रवानी ही एकमात्र विकल्प है, और यहाँ का जो लड़ाई है तभी बचेगा जब मासस बचेगा। क्या मासस जो है इस बार मैंने जीत के रेस में है? मासस जीत के कगार पर आ गया है। और कोई मतलब जो आपका प्रतिद्वंदी पार्टी किसको आप मान रहे हैं? हमारा प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस है। और बीजेपी के बारे में जो बोल रहे हैं, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी